भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप जुब्बल पहुंचे, जहां उन्होंने 8 कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने बैठकों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, जहां उन्होंने युवाओं के साथ वादा किया था कि वह सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट में 1,00,000 नौकरियां देंगे। वहीं उन्होंने 1,00,000 क्या एक भी नौकरी नहीं दी। यह अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। कांग्रेस पार्टी ने उल्टा 10,000 युवाओं को नौकरी से निकाल दिया, जो कि युवाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार है। यह वही 10,000 युवा है जिन्होंने कोविड संकट काल के समय जनता की सेवा करी थी। आज वह सड़कों पर हैं और अपना अधिकार मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह वही कांग्रेस सरकार है जो झूठ बोलकर सत्ता में आई और आते ही उन्होंने जिन जिन वादों को पूरा करना था उनके विपरीत काम किया। अगर हिमाचल प्रदेश में किसी ने महंगाई बढ़ाने का काम किया है तो वह केवल मात्र कांग्रेस है। ऐसी सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी जो अपनी सुख सुविधाओं के लिए जनता पर बोझ डालने का काम करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में उनके अपने विधायक के काम ही नहीं हो रहे हैं। विधायक निधि पर रोक लगाई गई थी जब नेता प्रतिपक्ष द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा संघर्ष किया गया, तब हिमाचल प्रदेश में विधायक निधि स्वीकृत की गई, वो भी आधी। हिमाचल प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ। यह हिमाचल प्रदेश के विकास पर भी प्रहार है। हमारे जिन बच्चों को नौकरी लग रही थी पिछले 1.5 साल में, जिनको जिनकी काउंसलिंग होनी थी, जिनको कॉल लेटर जाने थे, जिनका डॉक्यूमेंटेशन होना था, वो सारे बच्चे आज अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं। 10,000 बच्चे जो कोविड के समय में हमने, विशेष रूप से लड़कियां बेटियां, कोविड के समय में स्टाफ नर्सिस भर्ती की थी, ऐसे समय में जब कोरोना आया था, जब परिवार के लोग भी मरीजों को देखने नहीं जा रहे थे, ऐसे समय में ये लड़कियां अपना जीवन, अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों की सेवा कर रही थी, उनको दवाइयां दे रही थी, ऑक्सीजन लगा रही थी, उनको खाना खिला रही थी। ऐसे वार्ड बॉयज, उनको इन्होंने घर का रास्ता दिखा दिया, उनको घर भेज दिया, उनको नौकरी से निकाल दिया, एक भी नई नौकरी इन्होंने नहीं दी। और जो महंगाई की बात करते थे, उन्होंने सबसे पहला आते ही क्या किया कि डीजल के ऊपर 7 रुपये वैट बढ़ाया। अब आप समझते हैं, जब डीजल के ऊपर वैट बढ़ता है तो किराया बढ़ता है, भाड़ा बढ़ता है, भाड़ा बढ़ता है तो हर वस्तु के, आज खाने पीने के दालों के दाम बढ़ गए, डीपू का राशन के दाम बढ़ गए, खाने के तेल के दाम बढ़ गए, जितना कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है सबके दाम बढ़ गए। तो कुल मिलाकर इस सरकार ने 16 महीने का जो कार्यकाल है उसमें केवल जनता के साथ धोखा किया। आपदा के समय में जो केंद्र ने सहायता की, 11,000 मकान दिए, जिसका चेतन जी अभी जिक्र कर रहे थे कि 200 मकान आपके विधानसभा क्षेत्र को भी मिले, दो से नहीं सर, ये किसी चार पंचायतों में, चार पंचायतों में, इन्हीं चार पंचायतों में। तो आप देखिए कि 11,000 मकान केंद्र सरकार ने समर्पित करके दिए, जिनको ये आज कहते थे कि हमने बहुत बड़ा राहत पैकेज दे दिया, ये पैकेज केंद्र सरकार ने दिया, बहुत भारी पैसा उनको एनडीआरएफ के तहत, लगभग 1,700-1,800 करोड़ रुपया एनडीआरएफ के तहत जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार को मिला। आज इस पैकेज की बात करते हैं, ये पैसा तो केंद्र सरकार ने दिया है, इनका इसमें कुछ नहीं है। और यही नहीं है, अभी जिसका जिक्र चेतन जी भी कर रहे थे, 2643 लगभग 2700 करोड़ रुपया PMGSY फेज 3 में दिया गया, जिसमें कि आपके क्षेत्र की भी 11 सड़कें हैं और 11 सड़कों में करीब 200 करोड़ रुपया आपके लिए समर्पित हुआ है। और इसमें आपकी खड़ा पत्थर टू पटसारी ये सड़क है, यही सड़क है, लगभग 1,700 करोड़ रुपया इसके लिए केंद्र सरकार ने समर्पित किया है। और ऐसी 11 सड़कें हैं जिसमें आपकी 11 सड़कें हैं और 11 सड़कों में करीब 200 करोड़ रुपए की राशि। और इसके बारे में आपको स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि इसमें जो भी रिकमेंडेशन है, जो भी इसके लिए जाती है, केवल एमपी की जाती है, इसमें एमएलए का कोई रोल नहीं है। एमएलए साहब घूम रहे थे अभी शिलान्यास करते हुए, इसका शिलान्यास भी एमपी को करना चाहिए, क्योंकि जो गाइडलाइंस है उसमें। न्यूज डेस्क, एनवल लाइव।